काफी अच्छा ग्रो कर रही है और काफी लोगों तक तो रीच भी पहुंच रही है। जब कई बार कैसा होता है ना कि हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई अभी हम लोग देख रहे हैं वुमेन सेफ्टी को लेकर, तो अगर वैसा कुछ हो जाए तो हम लोग थोड़ा स्विच होते कि नहीं हमें मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। पर कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको इम्पोर्टेंस नहीं समझता, तो वो मार्शल आर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। और अगर बात की जाए क्रिकेट कबड्डी फुटबॉल की, तो वो भी स्पोर्ट्स है, ये भी स्पोर्ट्स है, ये सारे स्पोर्ट्स है, बट पता नहीं क्यों हमारे कंट्री में क्रिकेट को इतना मतलब वो अगर वो क्रिकेट की इंडिया की जो टीम है उनका उनके जो टीम में प्लेयर्स होते हैं वो एक प्लेयर का भी खर्चा जितना एक्सपेंस होता है या जितना उनको मैच खेलने के बाद मिलता है, तो हम लोग के पूरे टूर्नामेंट का भी उतना बजट नहीं होता। जो नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं वो पूरे नेशनल टूर्नामेंट का भी उतना बड़ा बजट नहीं होता जितना एक प्लेयर का होता है टीम इंडिया में क्रिकेट को लेकर। मार्शल आर्ट्स दुनिया के सबसे डेंजरस गेम्स में से एक है, साथ ही यह एक रोमांचक और एक्साइटिंग खेल भी है। मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट्स आत्मरक्षा, समरसता और शारीरिक फिटनेस के साथ साथ सजगता और धैर्य को भी सिखाता है। मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट्स के अंतर्गत कई डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जैसे कि कराटे, जूडो, ताइक्वांडो, कुंग फू, बॉक्सिंग, मूदो और बहुत अन्य। यह स्पोर्ट्स न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं बल्कि साहस, आत्मविश्वास और नैतिकता को भी बढ़ावा देते हैं। यही खेल को खेलकर और सिखाकर हमारे आज के चैंप करण पवार ने अपना और भारत का नाम रोशन किया है, जिसके कारण उन्हें इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। आज हमने उसी चैंपियन से खास बातचीत की जिसे हमें पता चला कि ये गेम कैसे खेला जाता है और ये गेम क्यों सबको खेलना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो सभी को शेयर कर दे जो मार्शल आर्ट्स खेलते हैं या उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। मेरा नाम करण पवार है और मैं मार्शल आर्ट्स करता हूँ। मार्शल आर्ट्स में बेसिकली मैं कराटे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग ये सारे स्पोर्ट्स खेलता हूँ। जब मैं 6 साल का था तब से मुझे खेलकूद बहुत करना पसंद था, तो मैंने मूवीज़ वगैरह में देख के सोचा कि मुझे कराटे ज्वाइन करना है। वो टाइम पे इतना नहीं पता था कि स्पोर्ट्स क्या होता है, कराटे क्या होता है, बॉक्सिंग क्या होता है, बेसिकली कॉम्बैट स्पोर्ट्स क्या होता है। तो हमारे नियर बाई कराटे क्लास था, तो मैंने मम्मी पापा को बोल के वहाँ पर एडमिशन एनरोल कर लिया। तो उसके बाद वो टाइम पे हम लोग फुल टाइम स्पोर्ट्स तो नहीं, स्कूल था तो सैटरडे संडे टाइम मिलता था। सैटरडे संडे जो छोटे बच्चे खेलते हैं वो ही खेल का जो टाइम था वो मैं स्पोर्ट्स में देता था, मतलब कराटे में देता था। और मेरे मम्मी पापा का बचपन से मेरे स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सपोर्ट रहा है, जो भी चीज़ मैंने की है स्पोर्ट्स के अलावा भी या स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी, तो पहले से उनका सपोर्ट था। तो मैंने जैसे ही उनको बोला कि मुझे कराटे क्लास में एनरोल करना है तो उन्होंने मेरे साथ एक एडमिशन करा लिया और वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हो गई। और क्लास स्टार्ट हुआ, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, उसी के साथ साथ अभी तक मैं वो स्पोर्ट्स करते आ रहा हूँ। हाँ, मिक्स मार्शल आर्ट्स में बेसिकली किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, ग्रैपलिंग, रेसलिंग, स्ट्राइकिंग ये सारे मूव्स आते हैं। ये सब का मिला के एक एमएमए बनता है जो कि मिक्स मार्शल आर्ट्स होता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो आप हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई भी जो एथलेटिक इंडिविजुअल जो भी स्पोर्ट्स है, क्रिकेट छोड़ के अगर मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी स्पोर्ट्स में आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या फिर आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो। एज अ स्पोर्ट्स पैशन है, हॉबी है, आप उसमें कुछ अच्छा अचीव कर भी लोगे, बट अगर क्रिकेट को अगर छोड़ दे तो बाकी स्पोर्ट्स में हम इतना फाइनेंशियली ये नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। हमेशा माँ बाप तो बच्चे का अच्छा ही सोचते हैं। तो मेरा एक टूर्नामेंट था नेशनल में, दिल्ली में मेरा एक टूर्नामेंट था और टूर्नामेंट स्टार्ट था और टूर्नामेंट के ड्यूरिंग ही मुझे नोज पे किक लगा था। तो इतना वो हैवी किक था कि मेरा जो नोज़ है वो लिटरली उससे ब्लडिंग स्टार्ट हो गया था, नोज बेंड हो गया और मुझे उस मैच से रेस्ट मोड पे डाल दिया, मतलब वहाँ पे मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करने दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो हॉस्पिटल में लेके गए, ट्रीटमेंट चालू था एक हफ्ता 5 से 6 दिन मैं हॉस्पिटल में ही था। और उसके बाद घर वालों को तो तभी बोल दिया था, घर वाले भी वहाँ आ गए थे। तो उसके बाद मम्मी पापा बहुत डर गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम बैड इंजरी थी, वो मेरा अपनी नाक की जो हड्डी थी वो टेढ़ी हो गई थी और इंटरनल ब्लीडिंग हो गया था।
तो वो टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने या जो भी रिलेटिव्स वगैरह थे तो उन्होंने बोला था कि ये स्पोर्ट्स वगैरह बिल्कुल अभी कंटिन्यू नहीं करना है या छोड़ दो, क्योंकि एकदम मेजर इंजरी थी वो। तो वो एक ऐसा टाइम था कि वहाँ पे पेरेंट्स ने और माँ के लोग ने बोला था कि ये स्पोर्ट्स छोड़ दो, दूसरा कुछ आप अदर ऑप्शन चूज कर लो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बट इतनी हेवी इंजरी के बाद कोई भी पेरेंट्स ऑफकोर्स ये होंगे ही। देखिए मार्शल आर्ट्स कोई भी सीखना चाहे तो क्यों सीखना चाहेगा, आज की डेट में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से उनको एक एडवांटेज हो रहा है। जैसे कि आप अगर 10th या 12th में हो, आप अगर नेशनल खेलते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिलती है, आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में, उसके साथ साथ एक फिटनेस और हेल्थ अच्छी होती है, और सेल्फ डिफेंस तो एक ज़रूरी चीज़ है, वो तो सबको ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मार्शल आर्ट सीखता है या बाकी कोई, ईच एंड एवरी पर्सन को सेल्फ डिफेंस ये चीज़ आनी ही चाहिए। तब मैं 6 साल का था तब से मैंने ये कराटे की जर्नी स्टार्ट की। तो कराटे के साथ साथ मुझे आगे मैंने कई स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल ये सारे कॉम्पिटिशन्स खेले। और वो कहते हैं ना कि पेशेंस हर एक चीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब 6 साल का था तब मैंने स्टार्ट किया था, और अलग अलग स्पोर्ट्स में जैसे मेरे को समझता गया कि कराटे के साथ साथ और भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, तो मैंने बॉक्सिंग का नेशनल खेला, किक बॉक्सिंग खेली, बेल्ट रेसलिंग, मास रेसलिंग, ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स खेले। और कई सारे स्पोर्ट्स के खेलने के बाद उनकी स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल तक मेरा सिलेक्शन हुआ। इंटरनेशनल में मैंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करके मैंने कई सारे मेडल जीते हैं। उसके बाद मुझे वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वहाँ पे से मेल आया था कि मतलब जो अचीवमेंट्स होते हैं वो उनका एक रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो मेरा सिलेक्शन ऐसे हो गया था कि फर्स्ट इंडियन मार्शल आर्टिस्ट हु वॉन मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स इन डिफरेंट मार्शल आर्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कराटे के साथ साथ और कई सारे मार्शल आर्ट्स करता हूँ, तो उसके बाद मुझे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा एक नाम आ गया। मार्शल आर्ट्स तो हम आगे आने वाले 10 साल में मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है और काफ़ी लोगों तक रीच भी पहुंच रही है। जब कई बार कैसा होता है ना कि हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई अभी हम लोग देख रहे हैं वुमेन सेफ्टी को लेकर, तो अगर वैसा कुछ हो जाए तो हम लोग थोड़ा स्विच होते कि नहीं हमें भी मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। बट कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको इम्पोर्टेंस नहीं समझता, तो वो मार्शल आर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। और अगर बात की जाए क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल की, तो वो भी स्पोर्ट्स है, ये भी स्पोर्ट्स है, ये सारे स्पोर्ट्स है। बट पता नहीं क्यों हमारे कंट्री में क्रिकेट को इतना मतलब, वो अगर वो क्रिकेट की इंडिया की जो टीम है उनका उनके जो टीम में प्लेयर्स होते हैं वो एक प्लेयर का भी खर्चा जितना एक्सपेंस होता है या जितना उनको मैच खेलने के बाद मिलता है, तो हम लोग के पूरे टूर्नामेंट का भी उतना बजट नहीं होता। जो नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं वो पूरे नेशनल टूर्नामेंट का भी उतना बड़ा बजट नहीं होता जितना एक प्लेयर का होता है टीम इंडिया में क्रिकेट को लेकर। हाँ, मेरे मेंटर हैं, मेरे विनोद कदम सर उनका नाम है, और उन्होंने मुझे कराटे में कई सारे, सिर्फ कराटे नहीं, लाइफ में भी कैसे हर एक चीज़ को बैलेंस करना चाहिए, कैसे पेशेंस रखना चाहिए। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं एक कॉम्पिटिशन हार गया था, मतलब मेरा वो सेकेंड थर्ड कॉम्पिटिशन था, वो मैं हार गया। तो सर ने मुझे कहा कि मैं एकदम डिमोटिवेट हो गया था कि मेरे सारे फ्रेंड जीत गए, मैं हार गया, तो मुझे ये नहीं खेलना, मुझे नहीं कंटिन्यू करना। तो सर ने तभी कहा था कि हार जीत एक खेल का पार्ट है, तो ये तो होते रहेगा, बस एक कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। तो सिर्फ प्रैक्टिस डेडिकेशन के साथ करते रहना, फिर तेरे को जो चाहिए वो ये स्पोर्ट्स मिल जाएगा, बस मेहनत करते रहना। तो वो टाइम पे मेरा सेकंड थर्ड नेशनल था, मैं 7 साल का रहूँगा, 7-8 साल का, तभी मैंने वो जब हारा था और सर ने मुझे वो मोटिवेट किया था, मेरे मेंटर ने। तो उसके बाद मैंने कम से कम 15 से 16 साल डेडिकेटेडली ये स्पोर्ट्स को परस्यू किया, इसकी प्रैक्टिस की, और तब जाके मुझे मेरा नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में, और मुझे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेलने का मौका मिला। तो मेंटर को मैं इसलिए ये थैंक यू कहना चाहिए, हर एक की जिंदगी में मेंटर इसके लिए चाहिए कि अगर वो टाइम पे मैं क्विट कर देता तो आज जो कोई भी मैंने अचीव किया वो यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाता था। सबसे अच्छी बात ऐसा है कि मार्शल आर्ट्स आपको सिर्फ एक खेल नहीं सिखाता, वो आपको जिंदगी जीना सिखाता है। आप एक सर्वे हुआ था, कोई भी मार्शल आर्ट जो मार्शल आर्ट सीखा है जिंदगी में, लाइफ में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एटलीस्ट उन्होंने 3 से 4 साल भी अगर दिए हैं
तो एक सर्वे के ड्यूरिंग ऐसा हुआ था कि मार्शल आर्ट्स में आपको फिजिकली मेंटली दोनों से प्रिपेयर किया जाता है। तो सुसाइड केस बहुत होते हैं जो स्टूडेंट्स लाइफ में, आजकल रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग नंबर्स देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, सुसाइड्स क्यों हो रहा है, ओवर प्रेशर पढ़ाई का या जो भी टेंशन है। तो मार्शल आर्ट्स की वजह से एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि लाइफ से बड़ी चीज़ और क्या होती है, ज़िंदगी से अगर और कोई चीज़ बड़ी है तो वो कुछ भी नहीं, मतलब ज़िंदगी सबसे बड़ी है। तो मार्शल आर्ट्स के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको बचपन से पहले से सिखाया जाता है कि कैसे सबको बैलेंस करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, पेशेंस रखना है, ईच एंड एवरीथिंग अगर मार्शल आर्ट्स में कवर होती है तो इस वजह से कोई भी सुसाइडल ऐसा कुछ नहीं होगा। कि डिसिप्लिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मार्शल आर्ट्स में। ट्रेनिंग के पहले हमको बताया जाता है कि मार्शल आर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है, उसके बाद सेकेंड थिंग आती है ट्रेनिंग। हम लोग मार्शल आर्ट्स वाले जो भी हम लोग ने ट्रेनिंग की है तो हम लोग में एक पेशेंस आ जाते हैं। जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि आजकल राह चलते रोड पे कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं, लोग झगड़े पे उतर आते हैं, हाथापाई करते हैं। तो हम लोग में एक चीज़ अच्छी है वो कि हमें पता है कि हमें ये सब करना ही नहीं है, भले कुछ भी हो जाए हम पेशेंस से ही रहेंगे, क्योंकि हमने वो चीज़ ही सीखी है जो आप साल दो साल में एक बार हाथ पैर चलोगे, हम लोग वो रोज़ ही कर रहे हैं। तो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल जिन्होंने कभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं की, तो हम लोग वो नज़रिए से उसको देखते भी नहीं, झगड़ा वगैरह, क्योंकि हमें पता है, हम लोग को ट्रेनिंग में बताया जाता है कि हम लोग जो भी सीख रहे हैं खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। तो अगर कहीं ऐसा हो जाए, एकदम इंसिडेंट ऐसा आ जाए कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ वो टाइम पर हम हमारी ये स्किल टेक्निक जो भी है वो यूज़ कर सकते। ऐसी एक घटना आई थी जब मेरा इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ था और इंजरी हुई थी मुझे, तो वो इंजरी के साथ डॉक्टर ने भी बोला था कि ये नहीं खेलना। बहुत सारे एथलीट्स के लाइफ में होता है, जो भी एथलीट्स है मार्शल आर्ट्स के, तो 90% मार्शल आर्टिस्ट को तो इंजरी होनी ही है। तो वो टाइम पे ऐसा होता है कि डॉक्टर ने भी मना किया, बट सिलेक्शन हो गया था, फर्स्ट सिलेक्शन था वो मेरा, जो मुझे इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करना था, कंट्री को रिप्रेजेंट करना था, इंटरनेशनल मैच खेलना था। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि ये पहली बार सिलेक्शन हुआ, आगे पता नहीं हो ना हो, अगर ये मुझे चांस मिला तो ये मुझे गंवाना नहीं है। तो वो इंजरी के साथ शोल्डर का डिसलोकेट हुआ था मेरा, बट ऐसा था कि एक जुनून था कि मुझे ये कॉम्पिटिशन खेलना ही है, वापस ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। तो वो शोल्डर इंजरी थी, तो डॉक्टर से मैंने थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट जो भी होता है वो पट्टी बांधी थी यहाँ पे, और वो जो इंजरी थी वहाँ पे रिकवर भी नहीं हुई, तो वो सब पट्टी बांध के ही मैंने वो कंपटीशन खेला था, और वो कंपटीशन मैंने गोल्ड मेडल जीता था वो कंपटीशन। मार्शल आर्ट्स में बेसिकली अभी मैंने सिर्फ कराटे की अगर बात की, तो मुझे पता था कि कराटे या मार्शल आर्ट्स मतलब ब्रूस ली, और फिर धीरे धीरे मैंने जैसे गेम स्पोर्ट्स स्विच किया, बॉक्सिंग, किंग बॉक्सिंग, तो कई सारे मेरे ऐसे आइडियल रहे, मतलब मेंटर है कि माइक टायसन, ब्रूस ली, ये सारे एक लीजेंड है मार्शल आर्ट्स में, और उनसे कई सारी चीज़ें सीखने मिलती है कि एक डेडिकेटेडली वो तो 30-40 साल से एक ही स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लाइफ में ये अचीव ही करे, बट वो दूसरों को भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना सिखा रहे हैं मार्शल आर्ट्स के थ्रू, कि कैसे हम फिट रहे। अभी आजकल कोई हेल्थ की बात ही नहीं कर रहा, कोई भी सब लोग बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली अच्छे होना है, फाइनेंशियल आपका अच्छा होना चाहिए, इनकम अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छी इनकम आनी चाहिए, पैसे अच्छे चाहिए, बट अगर तुम महीने के 50,000 कमाते हो और अगर हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो वही पूरा जो तुमने कमाई की थी जो भी था तुम्हारा वो पूरा वहाँ चले जाता है। तो हेल्थ के मामले में वो कोई बात नहीं कर रहा, तो मार्शल आर्ट्स से आपको एक इनर हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। 2 साल बाद एक कंपटीशन के लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ, और ज़रूर आई होप वो हो जाए, एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाला है और उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी से, वो भले ही 2024 या 2025 में होगा, बट उसके लिए भी आज भी मैं सुबह शाम दिन में सुबह 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे उसके लिए रेडी हो रहा हूँ। अब वो 2-3 साल बाद की बात है, बट हर एक सिंगल डे सिंगल आवर ट्रेनिंग का काउंट होगा उसके लिए, क्योंकि जैसे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ मेरे जैसे और भी मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं जो ट्रेन कर रहे हैं, तो मुझे उन सबसे बेस्ट ट्रेनिंग करनी है और अपना 100% देना है। मार्शल आर्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए ऑलवेज वेलकम है, काफ़ी अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको कहा कि
सबको ही मार्शल आर्ट्स के बेसिक जो सेल्फ डिफेंस के टेक्निक्स है वो आने ही चाहिए। ऐसे कई सारे कंट्रीज है कि जहाँ पे स्कूल में ही 3 साल की मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कंपलसरी है। क्यों? ज़रूरी नहीं आप एज अ स्पोर्ट्स एज अ एथलीट एज अ कॉम्पिटिशन जिसको देखो, बट खुद की सेल्फ डिफेंस। जैसे आजकल जो भी क्राइम हो रहे हैं, जितने क्राइम हो रहे हैं नंबर्स अगर आप देखोगे तो मुझे वो नंबर पर मैं थोड़ा ये करता हूँ, ईयरली 40,000 प्लस वुमन्स अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं, तो ये ऑन रिकॉर्ड क्राइम है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए उस चीज़ के लिए एटलीस्ट सब लोग में सबके लिए जो भी छोटे बच्चे नए हैं जो भी है सब लोग को बेसिक सेल्फ डिफेंस आना चाहिए कि खुद की एटलीस्ट सुरक्षा करें। हमको कहीं लड़ने नहीं जाना है, कॉम्पिटिशन नहीं खेलना है, अच्छी बात है वो कुछ नहीं करना ठीक है, बट खुद की सुरक्षा कर सको एटलीस्ट इतना तो ट्रेनिंग तुम्हें आना चाहिए।